मेरा नाम ममता चौहान है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। मेरे हस्बैंड को लंग्स में प्रॉब्लम थी। ये ऐसे पता चला कि उनको फीवर और खांसी आती थी, तो हम लोग BHU गए। BHU में GN श्रीवास्तव एक डॉक्टर थे जिन्होंने इनका ट्रीटमेंट 2 से 3 महीनों तक किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं रहा, जो कि एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। हम लोगों ने वहाँ से फिर अदर हॉस्पिटल में गए, जो कि BHU से बाहर। हम मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में आए, जहाँ पे हमको मतलब रेफ़र किया गया था लखनऊ से। पूरी सर से हम लोगों ने मिला। पूरी सर ने इनकी हालत देख के इनको सर्जरी के लिए कहा। आज जिस पेशेंट की हम बात करेंगे वो हैं मिस्टर पंकज। ये मेरे पास लखनऊ से रेफ़र किए गए थे। लखनऊ में एक्चुअली हमारी OPD होती है लखनऊ मेदांता में एवरी मंथ 3rd Saturday को, तो वहाँ पे ये पेशेंट मेरे पास आए थे और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे ये जब भी मेरे पास आए। परेशानी क्या थी इनको, बेसिकली इनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ था कुछ महीने पहले और उसके बाद एक प्लूरल इफ्यूजन हो गया था, जिस प्लूरल इफ्यूजन में मल्टीपल टैपिंग्स मल्टीपल प्रोसीजर्स हुए थे, जिसकी वजह से वो एम्पाइमा में कन्वर्ट हो गया था। अब एम्पाइमा क्या होता है, एम्पाइमा बेसिकली होता है जब 2 प्लूरा की लेयर्स हमारी छाती में, एक विसरल प्लूरा होती है एक पैराइटल प्लूरा, उस 2 लेयर्स के बीच में जब काफ़ी पस जम जाती है, इसको एम्पाइमा कहते हैं। एम्पाइमा का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिवाइडेड होता है। अगर ये अर्ली एम्पाइमा है तो इसमें चेस्ट ट्यूब डाल के आप इसको रिलीव कर सकते हैं, और अगर ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाता है जिसमें Stage 2 या फिर फुली ऑर्गेनाइज हो जाता है जैसे Stage 3, तो इसमें दूरबीन की सर्जरी जिसको VAT सर्जरी कहते हैं वो करने से ही ये पेशेंट ठीक होता है। काफ़ी डॉक्टर्स के पास ये पेशेंट घूम के आए हुए थे, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। जब ये मेरी OPD में आए तो मैंने इनको सर्जरी एक्सप्लेन की। ये मेदांता गुरुग्राम में हमारे पास आए और फिर हमने इनकी दूरबीन की VAT सर्जरी की, जिस सर्जरी को करने की वजह से काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा और ये काफ़ी अच्छी तरह ठीक हो गए। अब एक चीज़ जो मैंने अपने कई एम्पाइमा के वीडियोस में बताई है कि डिकॉर्टिकेशन सर्जरी होता है, डिकॉर्टिकेशन सर्जरी होता है जिसे हम दूरबीन से करते हैं। इसमें हम 3 छोटे छोटे छेद करते हैं छाती में और इन छाती के छेदों से ये सर्जरी की जाती है। इसके 5 मूल्य स्टेप होते हैं जो करना बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप होता है कि जो अंदर का गंध होता है, पस होता है, उसका पूरा सफाई करना, जिसको डिब्राइडमेंट कहते हैं। उसके ऊपर, उसके बाद जो फेफड़े के ऊपर की लेयर होती है जिसको विसरल प्लूरा कहते हैं, उसको निकालना, जिसको विसरल प्लूरेक्टमी कहते हैं। उसके बाद छाती के अंदर जो लेयर होती है पैराइटल प्लूरा, उसको निकालना, जिसको पैराइटल प्लूरेक्टमी कहते हैं। उसके बाद जो डायफ्राम के ऊपर लेयर होती है डायफ्रैगमेटिक प्लूरा, उसको निकाल देना। और उसके बाद 360 डिग्री पूरा लंग को मोबिलाइज कर देना। ये 5 स्टेप इस सर्जरी में करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको इसी तरीके से प्रोटोकॉल बेस्ड अप्रोच से किया जाए जो हमारे इंस्टीट्यूट पे होती है, तो ये सर्जरी हमेशा सक्सेसफुल हो जाती है। और दूरबीन की वजह से, दूरबीन वैट्स की वजह से करने की वजह से पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, अपनी दिनचर्या में आ जाता है, जैसा मिस्टर पंकज के साथ हुआ। थैंक यू। जो कि सर्जरी बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो गई और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ की मैम्स लोगों में जैसे दीपिका मैम, श्वेता सिंह मैम, इन लोगों से मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन मिला कि अपने वर्क से हमें कितना मतलब जागरूक होना चाहिए। ये लोग हमेशा एक्टिव रहती थी, एक बेल लगती थी तुरंत भाग के आती थी, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके साथ ही मैं यहाँ की उनके टीम, जो अरविंद सर हैं, उनकी टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ।